आपका डॉग प्रूफ करता है। तो ऐसे डॉग्स के बच्चे यहाँ पे बिक रहे हैं, बिल्कुल, और नाम से बिक रहे हैं। उन्होंने कभी वो कुत्तों को दिखाते नहीं अपने, कहीं बस नाम के ये ब्लड लाइन और ये हमने रखी हुई है और ये बर्ड की टॉक, वही केसीआई के पेपर्स के ऊपर उन कुत्तों को बेच रहे हैं। तो उन लोगों से भी थोड़ा सा बचे, उनको देखें। एब्सोल्युटली। तो अभी दो तरह से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। एक तो वही जैसे मैंने कहा कि अपने कुत्ते को सर्कस करा के चार बार गोल घूमेगा, पंजे से एक दो ट्रेनर उनके पीछे घूमते हैं, वो हवा में कूदेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उन्हें लगेगा वाह यार क्या कमाल का आदमी है, कुत्ता लो तो इसी से लो, कुत्ता लो तो इसी। दूसरा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीश, मेरा नाम अमित कुमार। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसमें अदनान भाई मेरे साथ हैं, जो कि वर्किंग डॉग्स की बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। वो वर्किंग डॉग्स के में उन्होंने मुझसे भी बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और उन्होंने ब्रीडिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बहुत अच्छे से वो फॉलो करते हैं। ट्रेनिंग्स में भी उनको बहुत ज्यादा है, और पूरा मुझे लगता है वर्ल्ड में जो अच्छे कैनल्स हैं वो सब लोग इनको जानते हैं। और वो ब्रीड है वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड्स के टाइप, कितने टाइप के जर्मन शेफर्ड्स यहाँ पे इंडिया में हैं, कोशिश करेंगे मोस्टली टाइप्स हम इसमें वीडियो में कवर करें, और वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड का फ्यूचर क्या है इंडिया में और ये क्या होते हैं। तो अदनान भाई, सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो आप जर्मन शेफर्ड्स के बारे में बताएं, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड। तो जर्मन शेफर्ड्स के मैं थोड़ा सा एक तो क्लियर डिस्टिंक्शन देना चाहता हूँ कि पहले तो हम दो कैटेगरी में डालेंगे इनको, एक तो शो लाइन्स के जर्मन शेफर्ड और एक वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड। दुख की बात यह है कि जर्मन शेफर्ड बना था सिर्फ वर्किंग के लिए। वर्किंग का मतलब क्या है कि वो आदमी के साथ कुत्ता जो है, अगर उनके साथ दफ्तर जाए, काम करे, उनकी मदद करे और घर आके उनकी घर की सुरक्षा करे, तो वो उनके काम का है। मेन पहले डॉग्स बनते ही इसलिए थे कि वो मेरी जॉब में मेरी हेल्प करें। जर्मन शेफर्ड का था कि अगर मैं फार्मर हूँ, भेड़ बकरी घुमाता हूँ, तो वो भेड़ बकरी को एक साथ रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जर्मन शेफर्ड हुए वर्ल्ड वॉर में, हिटलर के एरा में, और ये डॉग्स जो हैं सिक्योरिटी में यूज़ हुए, बॉम्ब स्निफिंग, लैंडमाइन स्निफिंग में यूज़ हुए। और बहुत बार ऐसा होता था कि फौजी कहीं पे इंजर्ड है तो यहाँ से दवाइयाँ भेजी और वो पूरे बॉम्ब में सारे वॉर में, मतलब मिसाइलें चल रही हैं, सब चल रहा है, उनके बीच में जाके वो मदद करके, दवाइयाँ देके, रेस्क्यू करके आएगा इंसानों को। इस लेवल का तो जर्मन शेफर्ड था। आप इमेजिन करके देखिए कि डॉग भाग रहा है, उसके सर से रॉकेट जा रहा है, मिसाइल जा रही है, गन्स जा रही हैं, वो भाग के तब भी इंजर्ड सोल्जर को बचाने का कोशिश करेगा। अब क्या हुआ कि दो 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 डिफरेंट लाइंस आ गईं। मेन तो एक सबसे फेमस जो हुई वो है शो लाइन जर्मन शेफर्ड, जो कि एक ही तरह का होता है, ब्लैक एंड टैन। मोस्टली जो शो ब्रीडर्स हैं एंड जो ओवर ब्रीडिंग और जो फैंसी ब्रीडिंग हुई, जैसे मैंने पहले कहा कि मॉडलिंग करा रहे हैं, उन्होंने तो उन डॉग्स को थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया है। उनकी पीठ थोड़ी टेढ़ी हो गई है, उनकी टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई है, और लेग्स भी वीक हो गए, लेग्स वीक हो गए हैं, बैक्स में एक्स्ट्रा आर्च, एक्स्ट्रा स्लोप आ गया है। ओवरऑल वो डिफॉर्म्ड हो गए हैं, डिसफंक्शनल हो गए हैं। उनको पालने में ही 2 साल में कभी टांग में लग जाती है, कभी पेट दर्द हो जाता है, एंड ओवरऑल काफ़ी उस लाइन में इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग बहुत हुई है। दूसरा, के लोगों को जर्मन शेफर्ड की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़राब हो गई उस डॉग की वजह से, क्योंकि वो डॉग्स नर्वस भी हैं, एंक्शस भी हैं, और वो गलत टाइम पे टेरिटोरियल हो जाते हैं। वो मतलब वो किसी काम का नहीं है, बिसाइड्स कि वो मेरे गार्डन की और मेरे घर की शान बढ़ा सके और वो फोटो में अच्छा लग सकते हैं बेसिकली। उसमें भी एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा कि मैं अपनी टीम के साथ शो लाइन GSDs का भी मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने मेरठ के इंस्टीट्यूट में, जिसमें मैं उनके भी डैमेजेस को रिवर्स करके एक ऐसा शो लाइन कुछ जनरेशन बाद बना रहा हूँ जो कि उसी क्वालिटी का होगा जो इम्पोर्ट वर्किंग लाइन डॉग की। मैंने कुछ डॉग्स देखे हैं जो अरुण उनमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ ही, उनके अंदर ही, अरुण अपने भाई के जैसा है बिल्कुल। उन्होंने मुझे लास्ट एक वीडियो भी है हमारा, उनके फीचर है ऑलरेडी, तो वो बड़े जबरदस्त डॉग है, वो उनको वर्किंग लाइन से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि शो लाइन से भी हम ऐसा एक डॉग बना के निकालेंगे, इम्पोर्ट से नहीं, यहीं बना हुआ, जो कि प्रूव कर पाए कि इसको ना पेट, ना किडनी लिवर, ना स्किन, ना टांग, ना ना कोई बोन में प्रॉब्लम होगी, ना कोई स्टमक में, ना कोई स्किन में, और ना ही कोई टेम्परमेंट में। वो उतना ही स्टेबल, उतना ही रिलायबल कि हम किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स के ऊपर, जो कि पिछले कुछ साल में काफ़ी फेमस हो गई है एज अ ब्रीड। और इसमें मेरा काफ़ी
जानकार, मतलब मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ, काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ इस लाइन में। मैंने खुद अपना एक वर्किंग लाइन शेपर्ड, अनफॉर्चुनेटली केओस नाम का, कुछ साल पहले गुजर गया था। उस टाइम से मैं ज़्यादा मतलब इसमें खुद से इन्वॉल्व, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत इमोशनली अटैच था और वो मेरा बहुत ही क्लोज टॉप डॉग था। ऐसा लगता है कि उस जैसा कभी डॉग आ ही नहीं पाएगा। बट मेरी जो PSA की कम्युनिटी है, उसमें तीन तीन ऐसे हैंडलर्स हैं जो टॉप लेवल के वर्किंग लाइन शेपर्ड्स को तैयार कर रहे हैं। एक फीमेल ऑलरेडी PDC हो चुकी है, सृष्टि की निक्स। बिल्कुल श्रीनिवास का जहन जो है वो ओबीडियंस में टॉप स्कोरर है, और ये सारे ही मेरे साथ ही डॉग ट्रेनिंग करते हैं मेरे ही क्लब में। और हम लोग शुरू में मुझसे ही सीखे थे, फिर अपना अपना पूरा उन्होंने बिल्ड करा था। एक तीसरा डॉग है जिसका ओनर का और डॉग का नाम मैं रिवील अभी नहीं करूंगा, टाइटल होने के बाद ही हम करेंगे। तो वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड्स में मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। इंडिया से ज़्यादा मैंने चेक रिपब्लिक में, हॉलैंड में, जर्मनी में, इन जगहों पे इन डॉग्स के साथ बहुत काम किया हुआ है। इनफैक्ट 150 से ऊपर वर्किंग लाइन GSDs का एक्सरे और ब्लड टेस्ट तक किया हुआ है, जो कि लोग मेरे बारे में काफ़ी कम कम जानते जानते हैं। हैं, किसी को पता है, क्योंकि आप बताते नहीं हो। जी मैं बार बार यही बोलता हूँ, आपको बताना जरूरी है, जी बोलना बहुत जरूरी है, जी जी बोलोगे नहीं तो पता कैसे शुरू में चलेगा। मेरी परवरिश का ही इफेक्ट है कि परवरिश ऐसी थी कि अपना ज्यादा मतलब डाउन ही रखो, हम्बल रहो, मॉडेस्ट रहो, बट इतनी लाते खाने के बाद हम्बल इतने का ट्रीट मतलब ये लेकर नहीं है कि हम छुपा ही दे मैटर छुपाने से, को। उससे क्या होता है, जो लोग डॉग्स रखना चाहते हैं या हाँ, वर्किंग उनको पता लोग, ही नहीं चलेगा उनको पता नहीं बेसिकली। लगेगा, गलत चीजें उनके हाथ में बिल्कुल आएंगी, फिर वो बिल्कुल। तंग रहेंगे। तो हमारा मतलब पूरा उनका ट्रेनिंग और ब्रीडिंग का स्ट्रैटेजी शोज और वर्किंग लाइन्स में काफी टाइम से चलता आ रहा है। अब वर्किंग लाइन्स में भी कैटेगरीज हैं जो पुराने वर्ल्ड वॉर से हैं। एक है चेक रिपब्लिक, कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। उधर से जो वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड आते हैं, उनका फेस काफ़ी हैवी, साइज भी अप टू 40 kg चला जाता है, 33 से 40 kg के, हमेशा बड़े, बड़ी नोज, बड़ा फेस, बड़े पॉज, काफ़ी ह्यूज डॉग्स होंगे, मस्कुलर टाइप, मस्कुलर बीस्ट एकदम लगेंगे। यहाँ पे जैसे हम हरियाणा में और हमारे वहाँ पठान रहेंगे, यहाँ पे जाट रहेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भाई जाट आदमी है या पठान बिल्कुल आया बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल वैसे ही आपको चेक रिपब्लिक का जब डॉग आपको सामने आके रहेगा, तो उसमें प्योर एंड प्योर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी एंड साइज आपको सीधा दिख जाएगा। मैं सबको थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन करना सिखा देता हूँ, ठीक है? DDR जो होता है, DDR का एक्चुअली सिर्फ मतलब है डॉयशर डेमोक्रेटिश रिपब्लिक, विच मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वो डॉग का नाम नहीं है। DDR, DDR, जी DDR, DDR सब करते रहते हैं, भाई आपके पास DDR है कि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल DDR का मतलब है, जैसे हम कहेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ठीक है? तो जो DDR लाइन ऑफ जर्मन शेपर्ड्स हैं, वो भी वॉर के टाइम पे एक एक स्प्लिट हो गया था। ईस्ट जर्मन का अपना नाम था, फिर वेस्ट जर्मन का अपना नाम था। बर्लिन में एक वॉल थी, वो टूटी थी, तो जर्मनी वापस रीयूनाइट हुआ था। तो दो अलग तरह के GSD ब्रीड होते थे, वेस्ट जर्मन लाइन्स, DDR लाइन्स। DDR लाइन्स जो हैं वो थोड़े से शॉर्टर, स्टॉकियर, बल्कियर होते हैं। कुछ GSD आपको इस टेबल की हाइट के काफ़ी लंबे और थोड़े ज़मीन से नीचे रहेंगे। हाइट लंबी नहीं रहेगी, लेंथ फिर भी होगी, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और बल्की होंगे। रियल हार्डकोर वर्किंग GSD छोटा और स्क्वायर रहेगा हमेशा। ऑल ओवर द वर्ल्ड 100% DDRs के जो कैनल हैं, वो पूरी जर्मनी में ही मुश्किल से 6 होंगे, US में 2 होंगे, पूरे वर्ल्ड में 10 भी नहीं होंगे आज, जो प्योर DDR ब्रीड करते हैं। बिकॉज और इतना जरूरत भी नहीं है सिर्फ प्योर DDR ब्रीड करने की, बट जो जर्मन शेपर्ड में घुसे हुए हैं उनके लिए मेरे लिए एक क्लैरिफिकेशन था। जी फिर दूसरे जो काफ़ी कॉमन वेस्ट जर्मन लाइन्स हैं, IPO में भी दिखते हैं, वो लाइट सेबल कलर के, डार्क सेबल कलर के, थोड़े से DDR से बड़े और चेक रिपब्लिक साइड से थोड़े से छोटे, राइट इन द मिडल फॉल होते हैं वो। ओवरऑल कैटेगराइजेशन में ये तीन कैटेगरीज हैं जिसके आपको कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। जिनोपो कैनल्स काफ़ी फेमस है चेक रिपब्लिक के लिए। DDR में मैं इतना अभी इन टच नहीं हूँ कि कौन से कैनल सबसे प्रोमिनेंट हैं। फिर आई एम मोर इन टू चेक रिपब्लिक लाइन GSDs मेरा खुद का, और हमारे जो काफ़ी हमारे कैनल में जो वर्क करते हैं वो चेक लाइन्स हैं। मैं भी चेक रिपब्लिक के पुलिस डॉग सेंटर, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पावल एंड जॉम्बी में, उनके साथ स्टॉप नॉट GSDs, मतलब स्लोवाकिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, चेक रिपब्लिक, इन सारी कंट्रीज के जो टॉप ऑफ टॉप GSDs हैं, वो प्राग में एक सेंटर में आके रुकते हैं। मैं वहाँ रेगुलरली जाता हूँ उस लेवल के। मैं आपको कभी फोटोज दिखाऊंगा, मौका मिला तो हम फ्यूचर में कभी अपलोड भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल मैं जर्नी करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करूंगा, हम इसको यहाँ पे अपलोड भी बिल्कुल कर देंगे बिल्कुल जब भी मेरा नेक्स्ट वहाँ ट्रिप रहता है। तो रियलिटी में जब आप चेक रिपब्लिक में जो डॉग्स देखेंगे और फिर आप यहाँ पे आके देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ
उस जैसा दिखने वाला डॉग है, अंदर से उसमें फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। वर्किंग लाइन शेपर्ड अगर डरते हैं, अगर एंग्शस हैं, अगर नर्वस हैं, अगर हैंडलर कोई घूम के काट लेते हैं, अगर किडनी लिवर ठीक नहीं है, स्किन ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, टांग में लग गई, तो वो ब्रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए एक तरह से। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे ब्रीडर को, ब्रीडर के अपने आप को वो ट्रेनर भी बोलते हैं, बड़े लोग हैं सो कॉल्ड कहने के लिए, वही बड़े हम बड़े लोग। ऐसे डॉग्स यहाँ पे हैं कि आप उनको हाथ लगाओगे वो यूरिन पास कर देते हैं, वो छुप जाते हैं साइड में जाके, और वो उनके पप्स बेच रहे हैं लोग। वही जैसे आप, हमने पहले वीडियो में कहा था आपने कि फेसबुक और उस पे जाके वो प्रमोट कर रहे हैं, उनका नाम है तो लोग उनसे पप्स ले लेते हैं। अगर लाइव उनके डॉग्स को वो देख लें तो हो सकता है कि वो कुछ पैसे उस डॉग के साथ भी अगर किसी को दें तो वो तब भी ना तब भी लें। ना ले, बिल्कुल बिल्कुल और वो लोग उन ब्रीड्स को, उन जर्मन शेफर्ड्स को, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है वो, और वो ब्रीड ही खराब कर रहे हैं। और कहने के लिए अगर आप उनसे कभी बात करोगे तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उतनी बड़ी बड़ी बातें कि लोग सामने वाला डर जाता है। अरे यार, ये तो मतलब कितना बड़ा आदमी है, और वो वाह है क्या। एब्सोल्युटली। वही इंडिया में ना हमारी एक साइकोलॉजी हो गई, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। अगर आपके सामने कोई थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश बोल देगा ना बिल्कुल तो यहाँ पे इंडियंस को हमें फ्लैट लगता हो है यार जाएगा। वाह यार क्या बंदा है, बिल्कुल पर ये उनको समझ नहीं आता यार बात तो ये अखबार वाले ही कर रहा है। डॉग इंग्लिश तो, में बात तो डॉग ही, एंड ऑफ द डे आपको तो आपका डॉग ही डॉग लेना प्रूफ है, करता है और आपका क्या। डॉग बिल्कुल प्रूफ करता है। तो ऐसे डॉग्स के बच्चे यहाँ पे बिक रहे हैं और बिल्कुल नाम से बिक रहे हैं। उन्होंने कभी वो कुत्तों को दिखाते नहीं अपने कहीं, बस नाम की ये ब्लड लाइन और ये हमने रखी हुई है और ये बिल्कुल बर्ड की टॉप, वही केसीआई के पेपर्स के ऊपर उन कुत्तों को बेच रहे हैं। तो बिल्कुल उन लोगों से भी थोड़ा सा बचे, उनको देखें जरूर, एब्सोल्युटली। तो अभी दो दो डॉग तरह जरूर से देखें दो उनके। तरह से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। एक तो वही जैसे मैंने कहा कि अपने कुत्ते को सर्कस करा के जी 4 बार गोल घूमेगा, पंजे से हाँ, एक दीवार दो पे चढ़ ट्रेनर उनके पीछे जाएगा, घूमते हैं वो सो हवा कॉल्ड में ट्रेनर्स। कूदेगा, ये हाँ करेगा वो करेगा, तो उन्हें लगेगा वाह यार क्या कमाल का आदमी है, कुत्ता हाँ लो तो इसी से लो। कुत्ता लो तो इसी, बिल्कुल दूसरा जो है जिसमें मतलब काफी टाइम लोग मुझे भी उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं बिकॉज आई ट्रेवल अलॉट, मैं काफी जगह से डॉग लाता हूँ, के ये इम्पोर्ट डॉग लाए, किसी इंटरनेशनल बंदे से दोस्ती करी उसको भी ले आए, रॉटवाइलर में भी काफी होता था, सर्बिया से कुत्ता लाए, सर्बियन को भी साथ में खड़ा कर दिया है बिल्कुल, ना, तो उससे कुत्ता बिकेगा लोग है कि इम्प्रेस हो नहीं। जाते हैं रशियन और हमारे यहाँ सर्बियन पे। कुत्ता गोल गोल घुमाता है तो फिर वो महंगा है महंगा बनता है है, फिर ठीक वो, है। महंगा वाइट स्किन मीन्स अभी अभी भी हमें कलोनियल स्लेवरी जो है ना पुरानी, बिल्कुल, वो अभी भी है कि गोरा देखा हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, ठीक है। तो वो सेल स्ट्रेटेजी है कि कोई गोरे को मेरे डॉग के साथ फोटो खींचेंगे तो मेरा कुत्ता 10 लाख वैसे ही महंगा हो जाना है महंगा हो मतलब, जाएगा बिल्कुल। राइट। तो ये दोनों मिसलीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सिर्फ डॉग की ब्लड लाइन मैटर नहीं करती। इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बताई है जो मुझे बहुत वाइटल लगती है वो है डॉग्स की करेज एंड नर्व्स। कहीं पे भी डॉग के अंदर कोई फियर है या नर्वसनेस है वो अगली जीन में कैरी फॉरवर्ड होगा, और वही चीज है जो आप कह रहे हैं जिससे लाइंस खराब होती हैं इसमें। और इसको आगे कोई बेच रहा है या अपने आप को प्रमोट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं केनल ब्लाइंडनेस। केनल ब्लाइंडनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि शो वालों में, शो ब्रीडर्स में काफी ज्यादा होता है, जिसको बहुत अलग अलग वर्ड में अलग अलग चीज कह सकते हैं। आप कोई ना कोई कहावत हमें इसकी मिल ही जाएगी कि जो मेरे पास है वो सबसे बड़ा है। और केनल ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि अपने कुत्ते की सारी कमियों को भूल जाना, सारी कमियां छुपा देना, अपने कुत्ते को इतना हवा में चढ़ा देना कि उसके पपीज तो बिके ही, उसको फेम तो आई, बट जो उसकी जो हर कुत्ते में ना 70% पॉजिटिव और 30% नेगेटिव होता है अच्छे डॉग में, तो वो 30% नेगेटिव को भूल ही जाना। मुझसे कभी कोई पूछे मेरे जो टॉप स्टड्स टॉप ब्रीडिंग डॉग्स हैं कि उसमें क्या फ्लॉज हैं, कोई फिजियोलॉजिकल या कोई टेम्परमेंटल या एनाटॉमिकल, मैं ऑनेस्टली ओपनली डिस्कस कर सकता हूं बिल्कुल, चाहे मेरी डॉग्स की प्राइस हाफ हम वैल्यू कम क्यों ना हो जाए, बिल्कुल राइट। झूठ नहीं बोलूंगा मैं केनल ब्लाइंडनेस आपने के डॉग बहुत पे। अच्छी बात कही, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे डॉग हमने इतने साल इसमें लगाए हैं नेचर सब अच्छे भी आए एनिमल्स हैं, हैं कभी बेचारे हमारे पास खराब डॉग्स भी जी, आ गए हैं, बट नर्वसनेस हमने भी भी आती उनको है, बहुत ज्यादा आगे फियर तक भी डिलीट आती नहीं है, किया। बिल्कुल। एंड जी आप सोचिए, आपने गलतियां सोचिए हमसे भी आप हुई सिर्फ हैं, डरे हुए और नर्वस और फियरफुल डॉग्स को आर्मी में लगा दें तो आप देश के साथ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत आपके कर रहे पास हैं। कोई फोन आता है 10 पपी हैं उसमें से आपने कहा कि जी 8 ले लीजिए, ये दोनों पेट होम्स के लिए सूटेबल रहेंगे, फौज में नहीं जा सकते, तो उसको हम कहते हैं गुड एथिक्स। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक ट्रेनर आए हुए थे, जूनियर है वो, अभी कहीं पे ट्रेनिंग सीख रहे हैं, और एक बड़े वेल नोन ट्रेनर ने, दिल्ली NCR के हैं, उनको एक डॉग दे दिया
और वो इतने तंग थे, वो एक ट्रेनर ने एक ट्रेनर को डॉग दे दिया, और वो आज इतने तंग थे कि जी आप इसको कहीं पे एनजीओ में या कहीं पे इसको छुड़वा दो। ये कंडीशंस, और ये मैं वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये कंडीशंस यहाँ पे वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स की हो रखी हैं। तो अब हम अभी उस पे आते हैं टॉपिक पे, तो कि ये इस तरह के जर्मन शेफर्ड्स क्या हैं और कैसे इन चीजों से बचे, एक जर्मन शेफर्ड को कैसा दिखना चाहिए वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड को? वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड का दिखने का तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अलग अलग कलर टाइप्स हैं। लाइट सेबल है, डार्क सेबल है, जेट ब्लैक है, ब्लैक एंड टैन है, इसमें रेड सेबल है, और इसमें मिक्स्ड वेरिएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जर्मन शेफर्ड में जो हमारे मैलिनोआ के फॉन होते हैं वो नहीं आएगा, ब्रिंडल जो डच शेफर्ड में स्ट्राइप्स वो होती हैं नहीं वो आएगा। नहीं आएंगी। मेन चीज़ जो मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अमित भाई को रोज़ फ़ोन आते हैं और सिर्फ कलर के लिए आते हैं। कलर तो कलर सबसे कलर बड़ी पे फोकस ना प्रॉब्लम करें। यही हाँ, है कि मुझे काला वाला चाहिए, काला ही पीले चाहिए, पंजे पीले वाला, पंजे। काला चाहिए जिसपे गोल गोल आंखों में गोल गोल पीले पीले सर्कल बने हो, या जेट ब्लैक चाहिए किसी ने स्पिरिचुअली बोला था, या जेट ब्लैक चाहिए कि मेरी शान बढ़ेगी, चार लोग डरेंगे काला मेरे कुत्ता से, लेके है ना। चलूंगा तो अगर आप सिर्फ मैं। कलर पे ही फोकस कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ काली मर्सिडीज चाहिए और इंजन में मारुति का लगा के दे दूंगा, तो आप ले लीजिए, फिर वो ठीक आप है। अगर कलर अपने वर्किंग डॉग्स में कभी भी कलर को प्रायोरिटी मत दो। ये बिल्कुल, मेलनोआ के सारे साथ सुंदर भी हैं, है सारे और सुंदर हैं, ये शेफर्ड्स के साथ भी है। और क्या। आपने तो ब्रीड लेनी है, कलर नहीं बिल्कुल लेना। आपको कलर बिल्कुल, को प्रायोरिटी आप ना और दें, अपने अकॉर्डिंग डॉग देखें कि कितने डेफिनेटली ड्राइव या किस तरह का पप्स आपको चाहिए, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आप एक अच्छे। और हाँ, पप तब भी सेलेक्ट करें तो अपने साथ कोई ट्रेनर जो आपके जिम पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनको लेके आए, अपनी उनको रिक्वायरमेंट बताओ, उसके अकॉर्डिंग पप डेफिनेटली लें, या एब्सोल्युटली ब्रीडर को अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, बिल्कुल वो तब बिल्कुल। आप पप ऐसा लें। नहीं है कि कलर आपकी प्रायोरिटी ना हो, डॉग आपके साथ 15 साल रहना है, आपको जो अंदर से अच्छा आए वो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट नंबर वन प्रायोरिटी कभी कलर नहीं होनी चाहिए। कुछ कोई अगर जैसे मैं कहूँ कि अमित भाई मुझे ना एक केओस की वजह से एक ब्लैक एंड टैन ही डॉग चाहिए जिसके येलो येलो पंजे हों और काला हो, तो अमित भाई को भी ये पता है कि उनको मुझे कम से कम 25 से 27 ऑप्शन दिखाएंगे, मैं उसमें से छांट के 5 करूंगा, फिर छांट के 1 करूंगा। अगर वो कहेंगे कि पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही अवेलेबल है और वो ये डॉग है, चाहे वो अच्छा भी होगा, तब भी मैं शायद उसको ना लूं, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास जो ऑप्शंस का बायस हो गया है कि एक ही है जो ऐसा काला निकला है, बाकी ये जो सेबल है 5, तो मैंने सिलेक्शन ही अपना कम कर दिया कि इसमें 5 में अच्छे हैं, ये तो सिर्फ कलर की बेसिस पे मैं ले रहा हूँ। तो कलर प्रायोरिटी होते ही लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। पहले आप डॉग ऐसा सेलेक्ट करिए जो बच्चों के साथ ठीक हो, किसी भी शोर से ना डरता हो, हैंडलर को कभी घूम के ना काटे बड़े होके, कोई छोटी सी आवाज बाहर हो तो वो डब घबरा ना जाए, और कोई नए इंसान को देख के अगर पी कर रहा है या डर गया या भौंक रहा है या पूंछ नीचे कर रहा है, तो पहले उस डॉग को ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन करके फिर उसके पपीज लीजिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परमेंट रिकवर नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम केनल ब्लाइंडनेस में या जितने भी शो लाइन के ब्रीडर्स हैं, उन्होंने सुंदर डॉग ले लिए, महंगे ले लिए, महंगे भी बेच लेते हैं, नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बट वो केनल में बंद ही पड़े रहते हैं। कभी कोई बाहर से ट्रेनर हायर किया, पैसे देके वो आया, उसने कुत्ते को 4 बार बॉल दिखा के कुदाया, 4 बार हर्डल कुदा दी, 4 बार हीलिंग करा दी, पूरे दिन वो बंद ही रहते हैं। अगर आप खुद वर्किंग लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते कि केनल खोल के खुद डॉग के साथ टग ना खेल पाओ, खुद डॉग को काम ना करा पाओ, तो मेरी आपसे अपील है कि आप वर्किंग डॉग नहीं लीजिए। ज्यादा बेटर है। अगर आप वर्किंग डॉग हेल्पर्स पे छोड़ना चाहते हो, एज अ ब्रीडर भी आप चाहते हो कि वर्किंग डॉग नाम आपका लगे बट ना आपको ट्रेनिंग आती, ना आप डॉग पकड़ सकते हैं, ना आप डिकॉय कर सकते हैं, ना आप स्लीव पकड़ सकते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन धीरे धीरे करके डायल्यूट हो जानी है बेसिकली। तो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के बारे में आज अदनान भाई से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आप और भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स पे, तो जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। और केनाइन स्कूल की फैसिलिटीज के जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कई लोग मैसेज करते हैं कि हमें नंबर दे दो उनका, तो वो सारी डिटेल्स आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन आप मैसेज जरूर करके बताएं हमें। और किसी तरह की वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के लिए इंफॉर्मेशन और भी आपको चाहिए कि जो आप जान चाहते हैं कि ये हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मैसेज हमें जरूर करें। थैंक यू।